आप बेफिक्र रहिए। जी जी नमस्ते। हाँ अरे यशपाल जी सर। अरे भाई उस शांति लाला के ऑर्डर का क्या हुआ? क्या हुआ उस शांति लाला के ऑर्डर का? सर बस तैयार हो रहा है सर। अरे यार सुबह से फोन कर करके उसे मेरी नाक में दम कर रखा है भाई, पता नहीं से नींद भी आती है कि नहीं। सुबह 5 बजे से हर 10 मिनट में फोन करके पूछा मेरे माल का क्या हुआ, मेरे ऑर्डर का क्या हुआ। सर मैंने राजेश विनोद और सुनील को इसी काम में लगा रखा है सर, बस वो लोग माल तैयार करके निकलवा रहे होंगे सर। अरे भाई उस लाला से मेरा पीछा छुड़वा दे यार। एक काम कर जी सर, सबका ऑर्डर रोक के सबसे पहले उस लाला का ऑर्डर भिजवा दे। ओके सर। अरे राजेश भाई क्या हुआ, तुमने वो स्लैब क्यों छोड़ दिया? ठीक से जमा नहीं है भाई, अभी कच्चा लग रहा है मुझे तो। अरे कैसे कच्चा रहेगा, सभी साचे साथ में भर दिए थे। अरे विनोद जरा निकल के देख तो। ठीक है देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। अभिजीत तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। I'm fit सर, I'm fit हूँ, एकदम फिट हूँ सर। अभिजीत झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से तुम ठीक नहीं हो सकते। अरे यार मैं ठीक हूँ ना, एक बार कहा समझ में नहीं आता क्या? अभिजीत हाँ इसी भी प्रद्युमन ही है, लाश मिली है। कौन सी आइस फैक्ट्री? ठीक है हम लोग आते हैं। आइस फैक्ट्री में लाश मिली है। आइस फैक्ट्री में तो एक मिनट, बर्फ में दब गई होगी ना सर? हाँ अभिजीत लाश बर्फ में दबी है, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं जाओगे अभिजीत, तुम यहीं पर रखो। देखो तुम्हें आराम की जरूरत है, चाहे तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। मैंने कहा ना सर मैं बिल्कुल फिट हूँ सर। मैं ऐसे भी साहब ठीक कह रहे हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है, आराम कर लो तुम। मैं सब समझता हूँ, कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। अभिजीत तुम हम लोगों को गलत समझ रहे हो। सब समझ रहा हूँ दया, सब समझ रहा हूँ। ACP साहब मुझे CID से सस्पेंड कर रहे हैं और तुम इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। बड़े दोस्त बनते हो तुम है? ऐसी बात नहीं है अभिजीत। फिर कैसी बात है सर? 13-14 साल मैंने CID में लगाया, उसका ये सिला मिल रहा है मुझे? आप कह रहे हो कि घर जाके बैठ जाओ? अरे यार वो ठीक है सर, आप
आप लोग जाइए, मैं रुकता हूं यहां पे। चलो दया। जरा प्लग लगाओ। बर्फ को संभाल कर तोड़ो। संभाल गया। संभल क्यों? संभल गया सचिन। पता नहीं कब मौत हुई होगी इसकी, लगता है कल परसों में ही डाला होगा, क्योंकि ज्यादातर बर्फ हर रोज निकाली जाती है। बात तो सही है। अरे एक बस। हाँ? एक मिनट इधर देखो, जरा सिर में घाव है। बहुत गहरा घाव है बस, लगता है कोई भारी चीज है जिससे वार किया गया है, और शायद इसी वजह से इसकी मौत हुई है। सर इसका मतलब है किसी ने इसके सर पे वार किया और इस लाश को आइस फैक्ट्री में डाल दिया बर्फ बनने के लिए। इधर आओ जल्दी। सब लोग देखो, देखो इस लाश को, पहचानते हो इसे? कौन है ये? नहीं सर, मालूम नहीं कौन है। ध्यान से देखकर बताओ। नहीं सर, हम नहीं पहचानते। तो फिर है कौन ये? आया कैसे यहाँ पर? लाश क्या चलकर अंदर आ गई? लाश कैसे चल सकती है सर? तो फिर सर इसके कपड़ों में से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे इसकी पहचान हो सके। बस मैं लाश को फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ। ठीक है, जैसे कुछ पता चले मुझे बता दो। काजल जरा गाड़ी का इंतजाम करो। सब लोग इधर आओ। सच सच बताओ। हम तो रात को फैक्ट्री में ताला लगा के घर चले गए थे, सब साँचों में पानी भी भर दिया था, सुबह आकर देखा तो ये लाश मिली सर। अच्छा ये बताइए कि इस बर्फ को जमने में कितना समय लगा? सर कम से कम 9 से 10 घंटे तो लग ही जाते हैं सर। 9 से 10 घंटे? सर इसका मतलब ये है कि इसे यहाँ पे रात में ही डाला गया है। हाँ मगर सचिन बंद फैक्ट्री में
बंद फैक्ट्री में लाश को अंदर लाया कैसे और किसने? चाबी किसके पास होती है फैक्ट्री? चाबी तो मेरे पास ही रहती है सर, और सुबह दरवाजा भी मैंने ही खोला है सर। चाबी तुम्हारे पास होती है, सुबह फैक्ट्री का दरवाजा भी तुमने ही खोला? तो फिर अब तुम बताओ, बताओ किसने मारा इसे? मैं कुछ नहीं जानता सर, पर मैंने खून नहीं किया सर इसका। तुमने खून नहीं किया तो फिर किसने किया खून? मैं कैसे बताऊं सर? अच्छा, तो फिर ये बताओ, ये जो बर्फ की लादियां हैं, जिस साचे में तैयार होती है, उस साचे में पानी कौन डालता है? कौन डालता है पानी? पानी तो हम चारों डालते हैं सर, यशवंत, राजेश, सुनील और मैं सर। सर, हाँ। वॉचमैन बाहर खड़ा है, उससे भी पूछताछ करते सर। हाँ, उससे भी करते। जाइए जरा वॉचमैन को लेकर आओ। सर, यशपाल, सुनील, राजेश और विनोद सर। विनोद, सच सच बता, ये आदमी कल रात को यहां पर आया था ना, उसके साथ तुम लोगों का झगड़ा हुआ और फिर तुम लोगों ने इसे मार डाला, हाँ या ना? क्यों साहब? साहब, हम गरीब लोगों को तो अपनी रोजी रोटी कमाने से फुर्सत नहीं है साहब। साहब, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? ये लाश कहां पर मिली? तुम्हारे इस फैक्ट्री में। तो फिर कौन बताएगा? ये तुम ही बताओगे ना कि क्या हुआ था यहां पर? सर, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड सुमी हो? जी साहब। कल रात तुम भी थे ना ड्यूटी पे? हाँ साहब। तो फिर ये लाश फैक्ट्री के अंदर कैसे आई? मालूम नहीं साहब। मालूम नहीं, मालूम नहीं, सबके पास एक ही जवाब है सर, ये सब के सब मिले हुए। सच सच बताओ, देखो तुम सब लोग किसी को तो बचाने की कोशिश कर रहे हो। कौन है वो, किसको बचा रहे हो तुम लोग? नहीं सर, सर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे सर? अच्छा, पता तो चल ही जाएगा, समझे? सचिन, लाश की फोटो निकालो और सारे अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स पर भेज दो, कोई ना कोई तो पहचानेगा। सर, हाँ, कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज चैनल नहीं छोड़ा हमने जहां उस मरे हुए लड़के की फोटोज ना भेजी हो सर। अब देखना सचिन, कोई ना कोई जवाब तो जरूर आएगा। क्या कहा जी? मेरा नाम उमंग है और मैं उस आइस फैक्ट्री का मालिक हूं, मुझे इसी पे साहब से मिलना है। उमंग, तो तुम हो उस आइस फैक्ट्री के मालिक जहां पर बर्फ के साथ साथ लाशें भी जमा की जाती है बर्फ में और बेची जाती है? ये झूठ है सर, मेरी फैक्ट्री में ऐसा कोई भी गलत काम नहीं होता। मैं तो खुद हैरान हूं कि आखिर मेरी फैक्ट्री में वो लाश आई कहां से। अच्छा, तो तुमने लाश को देखा ही नहीं है ना? नहीं सर। सचिन, जरा लाश का फोटो दिखाओ, शायद कुछ याद आ जाए ये लाश आई कहां से। नहीं सर, इस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ ये आई है, बैठिए। देखिए, रोना बंद कीजिए। बोली क्या बात है? प्लीज बताइए क्या बात है। जिनका फोटो आपने न्यूज में दिया था वो मेरे पति सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ तुम्हारा पति था? क्या एक बात बता सकती हो, सिद्धार्थ का क्या किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी? नहीं सर, सर वो तो देवता समान इंसान थे, और जिस हालत पे वो थे उनका कौन दुश्मन हो सकता है उसमें। किस हालत में? सर, सर, सर कोमा में थे। कोमा में? जी। कोमा में कैसे गए वो? उनके सर पे चोट लग गई थी जिस वजह से वो कोमा में चले गए, और पिछले 2 महीने से वो हॉस्पिटल में थे। पिछले 2 महीने से हॉस्पिटल में थे और लाश मिली आइस फैक्ट्री में सर। तो तुमने हॉस्पिटल वालों से पूछा नहीं कि कैसे गायब हो गए तुम्हारे पति? सर मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार ना
और उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। आप कहाँ पे थी जब आपके पति हॉस्पिटल से गायब हुए? हॉस्पिटल में थी। ये तो कमाल हो गया सर, पत्नी के सामने पति का किसी ने खून कर दिया और लाश को हॉस्पिटल से लेके चला गया। सर मैं हॉस्पिटल से घर गई थी कपड़े लाने के लिए। लेकिन जब मैं वापस हॉस्पिटल में आई तो मैंने देखा कि सिद्धार्थ वहाँ पे बेड पे लेटा हुआ है और उसके मुंह पे चादर ढकी हुई है। बस मैं भी ऐसे ही सो गई। लेकिन जब मैं सुबह उठी तब भी मैंने वही देखा कि सिद्धार्थ के मुंह पे चादर है। तब मुझे शक हुआ। लेकिन जब मैंने वो चादर हटाई तो हाँ, तो क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि वहाँ पे सिद्धार्थ नहीं है, उस बेड पे तकिया रखा हुआ है और उसके ऊपर चादर है। हॉस्पिटल में से एक आदमी को उठा के लेके गया और किसी को पता तक नहीं चला। ये खूनी कोई हॉस्पिटल का ही आदमी है। उमंग तुम जा सकते हो, जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। क्या नाम है इस हॉस्पिटल का? तुम फिर से यहाँ आ गई। हमने कहा ना कि हमें नहीं पता कि तुम्हारा पति कहाँ है। कैसे नहीं पता? इसका पति इसी हॉस्पिटल में एडमिट था ना। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है? डॉक्टर करण, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? तो तुम सीआईडी को भी यहाँ बुला लाई? डॉक्टर करण, तुम इस हॉस्पिटल के इंचार्ज हो और तुम सिद्धार्थ की ट्रीटमेंट कर रहे थे, है ना? जी हाँ, पर हम लोगों ने क्या किया? सिद्धार्थ का खून, समझे? सिद्धार्थ का खून। पर हमें शक है कि उसका खून हॉस्पिटल में से ही किसी ने किया है। क्या सिद्धार्थ का खून हो गया? जी हाँ। मगर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग तो उसकी जान बचाने में लगे हुए थे। जान बचाने में लगे हुए थे? बड़ी अच्छी तरीके से जान बचाई आप। उन्हें हॉस्पिटल से कोई उठा के लेके चला गया और आइस फैक्ट्री में ले जाकर बर्फ में जमा दिया। यहां से ले जाकर बर्फ की फैक्ट्री में? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो वहां कोमे में था। वही तो हम भी कह रहे हैं डॉक्टर करण, कि अगर सिद्धार्थ कोमा में था तो वो बर्फ की फैक्ट्री तक पहुंचा कैसे? कुछ चल के तो नहीं जा सकता है? जी नहीं। बस तो इसका मतलब एक ही है कि उसे कोई वहां तक लेकर गया और वो यहीं से कोई है इस हॉस्पिटल में से। अरे नहीं सर, ये झूठ है। भला हम लोगों में से कोई ऐसा क्यों करेगा? वही तो, क्यों करेगा? बस जैसे पता चलेगा ना कि सिद्धार्थ का खून कोई क्यों करेगा, उसी वक्त ये भी पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ का खून किसने किया है, समझे? हाँ जी, कहिए। अरे यार, वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं बॉस। नहीं नहीं, अभी लाश के 2-3 टेस्ट होने बाकी। हाँ ठीक है, हाँ ओके ओके ओके। ये रात दिन एक कर दिया, खाना पीना तक छोड़ दिया ये पता लगाने के लिए कि आखिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे। लोगों को दिखाई नहीं देता सर। नहीं नहीं सर, मैं तो ये कह रहा था कि साफ साफ दिख रहा है कि इसकी मौत सिर पे चोट लगने की वजह से हुई है। तो फिर सर, मौत की कोई दूसरी वजह ढूंढने की क्या जरूरत है? जरूरत है फ्रेडी, जरूरत है, क्योंकि मुझे शक हो गया है और मुझे मेरा शक दूर करना है। अच्छा सर, ये शक आपको हुआ क्यों? मैं आपकी कुछ मदद करूं? डॉक्टर तारिका भी नहीं है, डॉक्टर सोनाली भी नहीं है। ओह, थैंक यू काजल।
तुमने कम से कम पूछने की कोशिश तो की। इन्हें देखो हाथ पे हाथ बांधे खड़े हैं बेशर्मों की तरह से। इसके फेफड़ों में से थोड़ा पानी निकाल के देखने की कोशिश करते हैं। इस आदमी के फेफड़ों में वही पानी है जो बर्फ बनाने के काम में आता है। बर्फ का पानी? लेकिन ये आदमी तो बर्फ में ही था ना? हाँ, exactly, फ्रेडी, बर्फ में ही था। बर्फ के पानी में इसकी मौत हुई, दम घुटने की वजह से। मुर्दों के फेफड़ों में अपने आप पानी नहीं भरता है बॉस। ये आदमी जिंदा था, इसकी सांसें चल रही थी। जैसे जैसे इसकी सांसें चलती रही वैसे वैसे बर्फ का पानी इसके फेफड़ों में भरता रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूं सचिन, जब इस आदमी को बर्फ के पानी में फेंका गया ये जिंदा था। खून हॉस्पिटल में हुआ है तो हॉस्पिटल में काम करने वाले सभी लोग फंसेंगे। हम तो ढूंढ निकालेंगे उसको जिसने खूनी की मदद करके सिद्धार्थ को ऊपर पहुंचाया, समझे? एसीपी सर, सर आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए सर, हमारे लोगों में से किसी का हाथ नहीं है इस खून में। और सिद्धार्थ गायब है ये बात भी हमें तब पता चली जब सिद्धार्थ की वाइफ नुपुर ने हमें बताया। मतलब ये किसी बाहर के आदमी का काम है, ये कहना चाहते हो? सर मुझे तो ऐसा ही लगता है सर। ऐसा हो नहीं सकता डॉक्टर करण, ऐसा हो नहीं सकता। तुम ही ड्यूटी पर रहते हो ना रात को? हाँ सर मैं ही रहता हूँ। तो फिर एक 6 फुट के आदमी को कोई कंधे पे डालकर बाहर लेकर जाता है और तुमने देखा तक नहीं है? सर मेरे रहते तो यहाँ कोई किसी को नहीं लेके गया बाहर। तो लेटे लेटे पेशेंट के क्या पर निकल आए? क्या वो यहाँ से उड़ कर चला गया है? सर मेरे सामने तो कोई बाहर का आदमी भी अंदर नहीं आया सर। वाह, ना कोई अंदर से बाहर गया ना कोई बाहर से अंदर आया, ना कोई उड़ के गया ना कोई चल के गया। फिर भी महीनों से जो आदमी कोमा में था वो गायब हो है? कैसे कैसे? खूनी अंदर का ही आदमी है सर, इन लोगों ने उसे कहीं छुपा दिया है। सर कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे खूनी के बारे में कोई सुराग मिल सके। सर कुछ भी नहीं मिला? डॉक्टर करण, सिद्धार्थ के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स और उसके कमरे में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग्स मुझे चाहिए। उसके साथ साथ उसे जितने भी लोग मिलने आते थे उन सब की लिस्ट भी चाहिए। नूपुर जी आप संभालिए अपने आप को और खूनी को पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए। आप लोग जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेकिन आप लोग मेरे पति के खूनी को मत छोड़ना, उसे सजा जरूर दिलवाना। सजा तो उसे हर हाल में होगी। आप सिर्फ इतना बताइए हॉस्पिटल में जो जो लोग सिद्धार्थ से मिलने आते थे उनमें से कोई गड़बड़ लग रहा था आपको? सिद्धार्थ का मैनेजर
मुझे तो वो गड़बड़ लगता है, और तो कोई ख्याल भी नहीं। मैनेजर पे क्यों शक है तुम्हें? क्योंकि क्योंकि वो किसी फाइल पर मेरे पति के साइन चाहता था। फिर? लेकिन मेरे पति कैसे साइन करते, वो तो कोमा में थे, तो साइन मैंने ही कर दिए। लेकिन लेकिन साइन हो जाने के बाद भी ना वो वहां से गया नहीं, वो वहीं पर बैठा रहा और मेरे पति को घूर रहा था वो। हॉस्पिटल स्टाफ के जिन जिन लोगों के नाम है इस लिस्ट में, वो सब है यहाँ पे हॉस्पिटल में? सर एक लड़का नहीं है, मोहन। मोहन? हाँ साहब, वो भी यहाँ पे वार्ड में था। कहाँ गया? पता नहीं साहब, काफी दिन से दिखाई नहीं दिया, वो अचानक गायब हो गया साहब। गायब हो गया? हाँ साहब। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? अब रिवाइंड करो। बस यार, अब मैग्निफाई करो चेहरा। अब प्ले करो। ये देखो, देखा? सिद्धार्थ ने अपनी पलक झपकाई। सर सिद्धार्थ तो कोमा में था, और कोमा वाला आदमी पलक कैसे झपका सकता है? ये तो आपको बताना चाहिए ना कि मामला क्या है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धार्थ कोमा में था ही नहीं? हो सकता है सचिन, हो सकता है। ये सिद्धार्थ कोमा में था या नहीं, अगर ये कोमा में नहीं था तो ये भी पता लगाना पड़ेगा कि वो हॉस्पिटल से अपने आप कपड़े बदल कर आइस फैक्ट्री में क्यों गया। सर हॉस्पिटल में से एक वार्ड बॉय गायब है, मोहन नाम है उसका। क्यों डॉक्टर कर रहे हैं? हमें पहले क्यों नहीं बताया आपका एक वार्ड बॉय गायब है? सर वार्ड बॉय मोहन गायब नहीं है, वो यहाँ 4-5 महीने की ट्रेनिंग के लिए आया था और ट्रेनिंग पूरी होते ही वो चला गया। कहाँ गया आपको कुछ मालूम है? जी पता नहीं। ठीक है, तो इस वार्ड बॉय मोहन का फोटोग्राफ चाहिए हमें, समझे? और इस सिद्धार्थ के मैनेजर प्रदीप से मिलना होगा। क्या हुआ मैनेजर साहब, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? लगता है मैनेजर साहब की तबीयत खराब हो गई। तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ? हम ओके? सर में दर्द होगा सर। दर्द सर में नहीं, ठीक है बिल्कुल। सिर में भी दर्द नहीं, तबीयत भी ठीक ठाक है, तो फिर अपने मालिक का खून करके यहाँ छुप कर बैठा है ना? सिद्धार्थ साहब का खून? मैंने? हाँ तुमने, तुम ही जाते थे ना उनसे मिलने के लिए बार बार हॉस्पिटल में? हाँ सर मैं जाता था हॉस्पिटल सिद्धार्थ साहब से मिलने। तो एक दिन मौका पाके अपने मालिक का खून कर दिया और उसकी लाश को फेंक दिया आइस फैक्ट्री में, है ना? मैं तो सिर्फ सिद्धार्थ साहब के लिए हॉस्पिटल जाता था क्योंकि वो चाहते थे मैं उनके पास रहूं। चाहते थे का मतलब? वो तो कोमा में थे, है ना? नहीं सर, सिद्धार्थ साहब कोमा में नहीं थे। अगर सिद्धार्थ साहब कोमा में नहीं थे तो क्या वो हॉस्पिटल में लेट कर कोमा में पड़े रहने का नाटक कर रहे थे? हाँ सर, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। I really don't know। तो फिर क्या मालूम है तुम्हें? सर मैं इतना जानता हूँ कि एक दिन शाम को मैं सिग्नेचर लेने गया कुछ पेपर्स पे उनके, उस वक्त वहां पे नुपुर मैडम भी मौजूद थे। नुपुर मैडम ने कहा कि सिद्धार्थ साहब कोमा में है और सिग्नेचर वो कर देंगे, मगर मैंने देखा कि सिद्धार्थ साहब मुझसे कुछ कहना चाहते थे। क्या कहना चाहते थे? तुमने पूछने की कोशिश नहीं की? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की सर, मगर नुपुर मैडम की वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। मगर एक दिन नुपुर मैडम जैसे ही वॉशरूम गई, उन्होंने मुझे एक पेपर निकाल के दिया। पेपर? कैसा पेपर, क्या था उसमें? सर नक्शा है किसी चीज का। एक गेट और गेट के सामने पीसीओ। क्या मतलब हो सकता है इसका? कोई ऐसा राज सचिन जो सिद्धार्थ
अपने इस मैनेजर प्रदीप को बताना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी नुपुर को नहीं। गौर से देखो इस नक्शे को और याद करो कहां पर दिखी ये जगह। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है सर। क्या याद आ रहा है? ये उसी आइस फैक्ट्री का गेट है जहां से हमें लाश मिली थी। वेरी गुड फ्रेडी, लेकिन फ्रेडी मुझे लगता है ये नक्शा आइस फैक्ट्री का नहीं, पीसीओ का है। पीसीओ का? हाँ फ्रेडी, हम जब भी कभी किसी छोटी जगह का नक्शा बनाते हैं तो उसके आसपास जो भी कोई बड़ी जगह हो, कोई लैंडमार्क हो, उसका रेफरेंस देते हैं। तो इसका मतलब है ये नक्शा उस आइस फैक्ट्री का नहीं, पीसीओ का है। हेलो सर। तुम ब्यूरो में क्यों आए? मुझे लगा कि नहीं अभिजीत, तुम्हें कहा था आराम करने के लिए। सर हॉस्पिटल से फैक्स आया सर, उस वार्ड बॉय मोहन के बारे में सब जानकारी है इसमें। मोहन? फ्रेडी? फ्रेडी तो राजेश है, राजेश जो आइस फैक्ट्री में काम करता है। मतलब सर ये राजेश मोहन बन के हॉस्पिटल में भी वार्ड बॉय का काम करता था? हाँ फ्रेडी, ये वही है राजेश उर्फ मोहन, और सिद्धार्थ का खून भी इसी ने किया है। सचिन, काजल तुम लोग पीसीओ में जाओ, और फ्रेडी तुम और विवेक उठाओ इस राजेश को। यस सर। समझ में नहीं आता इसके घर का दरवाजा खुला है, हो क्या गया है उसे? अभिजीत, अभिजीत तुम? क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। ऐसे ही? अभिजीत हम तुमसे मिलने आए और तुम हमसे मुंह फेर कर खड़े हो। देखो अभिजीत, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना ठीक नहीं है। ब्यूरो में से भी तुम बिना बताए चले आए, इसका क्या मतलब हो सकता है? अभिजीत, अगर अगर कोई परेशानी है तो हमें बताओ, मिलके दूर करेंगे ना। अरे, अरे हुआ क्या है अभिजीत? हमने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमसे बात नहीं करना चाहते? मुंह पे ताला लगा लिया? ये बात आप खुद जानते हैं सीपी साहब। क्या? मैं खुद जानता हूं? मतलब? मतलब साफ है सर, अब आपके दिल में अभिजीत के लिए प्यार खत्म हो गया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? अभिजीत, मैंने तुम पर हमेशा अपने बेटे से बढ़कर प्यार किया है, और तुम? ये सब कहने की बातें हैं सर,
अगर ऐसा होता तो मुझे ब्यूरो से निकाल के घर में नहीं बिठाते आप। अभिजीत, तुम्हें घर पे इसलिए बिठाया ताकि तुम आराम कर सको। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है और हम लोग तुम्हारा भला चाहते हैं यार। नहीं यार, मुझे किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। मेरे में इतना दम है कि मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकता हूं। देखो अभिजीत, मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सर प्लीज आप लोग मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप लोग चले जाइए यहां से। ठीक है अभिजीत, हम लोग जाते हैं। अपना ख्याल रखना। देखो अभिजीत, अगर हमारी जरूरत पड़े तो याद करना, हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। शायद उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ सर, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ओके सर, थैंक यू सर। 2 रुपए होना सर? 2 रुपए। थैंक यू सर। सर ये पीसीओ आपका ही? साहब आम खाने आए हैं या पेड़ गिनने? फोन करना है तो करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या मतलब, मैं मालिक हूँ या नौकर? मतलब है, तभी तो पूछ रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम CID से और आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। साहब जो कुछ बताना था वो तो मैंने बता दिया पुलिस को। क्या बता दिया आपने पुलिस को? वही जो 2 दिन पहले मेरी दुकान पर हुआ था। 2 दिन पहले क्या हुआ था तुम्हारी दुकान में? किसी ने मेरी दुकान का ताला तोड़ा और सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। पूरा सामान इधर उधर फेंक दिया, लेकिन कोई चोरी नहीं हुई? यही सोच के मैं हैरान हूँ, सामान कुछ चुराया भी नहीं, फिर सामान इधर उधर बिखरने की क्या जरूरत थी? मतलब साफ है, किसी ने कोई चीज ढूंढने की कोशिश की है तुम्हारी दुकान में। मगर मेरी दुकान में कोई क्या ढूंढेगा? कोई खास चीज छुपाई थी तुमने, कोई कीमती चीज? यहाँ क्या कीमती हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिद्धार्थ ने कुछ छुपाया हो यहाँ पे? मेरा मतलब है खूनी के बारे में कोई जानकारी वगैरह। हो सकता है काजल, इसीलिए सिद्धार्थ ने आइस फैक्ट्री का गेट और इस PCO का नक्शा बनाकर इस मैनेजर को दिया था। दुकान की तलाशी लेनी पड़ेगी हमें। अच्छा भाई साहब, हम देखना चाहते हैं कि आपके दुकान में ऐसा क्या छुपाया था, तलाशी लेनी होगी। चुपचाप बाहर आ जा राजेश, वरना तेरी तो क्या हुआ साहब? सर आप ठीक तो हो ना? बापरे, पता नहीं क्या डाल के रखा है कमरे के बीच में। गॉड, लगता है हमारे आने से पहले ही किसी ने काम तमाम कर दिया है इसका। उल्टी से चाकू से मारा है, मगर चाकू कहाँ है?
सर। हाँ विवेक, ये देखिए सर। पेन का कैप। सर इसके पास तो पेन नहीं है, फिर ये कैप किसका हो सकता है? खूनी का। सिद्धार्थ अगर कोमा में नहीं था तो फिर वो कोमा में पड़े रहने का नाटक क्यों कर रहा था? मैं बताती हूं। सुरेखा जी आप? मैं नूपुर और सिद्धार्थ के बारे में बताने आई। नूपुर और सिद्धार्थ के बारे में? क्या क्या जानती हैं आप उन दोनों के बारे में? नूपुर ने ही खून किया है सिद्धार्थ का। नूपुर ने? जी हाँ। सुरेखा जी ये आप कैसे कह सकती हैं? नूपुर जिस टीवी शो में काम कर रही थी उसका नाम है माँ एक्सचेंज और उस शो की मैं होस्ट हूँ। उस शो में दो हफ्ते के लिए दो माएँ अपना घर बदलकर दूसरे के घर में जाती हैं। तो आप भी देखें कैसे एक नए परिवार और नए रिश्तों के साथ जूझती है एक माँ। ये दिखाने के लिए हम 24 घंटे उन पे नजर रखते हैं। कौन क्या कर रहा है इसकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है। फिर नूपुर हमारी पहली कंटेस्टेंट थी जिसका एपिसोड सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे आने वाला था 12 और 13 जनवरी को, लेकिन हमारे भी कुछ नियम हैं, उनका पालन नहीं कर पाई वो। क्या क्या नियम होते हैं आपके इस शो के? माँ एक्सचेंज के शो के रूल्स के अनुसार जब एक माँ घर बदलती है तो इसे पूरे रूप से अपने नए घर में रहना पड़ता है और बाहर की दुनिया से सारा कॉन्टैक्ट छोड़ना पड़ता है। लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान हमने देखा कि नूपुर किसी से बात कर रही है फोन पर, इसीलिए हमें उसे इस प्रोग्राम से निकालना पड़ा। अब इसकी जगह दूसरा एपिसोड दिखाया जाएगा। तो क्या सुरेखा जी आप हमें बता सकती हैं नूपुर क्या बात कर रही थी फोन पर? नूपुर अपने पति सिद्धार्थ का खून कराने की बात कर रही थी फोन पर। सिद्धार्थ का खून करने की बात कर रही थी? जी हाँ। तो सुरेखा जी आपके पास तो वो टेप तो होगी ना जिसमें ये रिकॉर्डिंग हुई होगी? नहीं, वो टेप हमने उसके पति सिद्धार्थ को दे दिया। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। नहीं, इसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है, ये तो मेरा फर्ज था। आप लोगों को भी तो सच्चाई पता चले। सचिन, मैम को गाड़ी तक छोड़ कर आओ। अब समझ में आया, जैसे ही वो सिद्धार्थ ने टेप देखा वो टेंशन में आया और उसका एक्सीडेंट हो। हाँ सर, उसने मौके का फायदा उठाया और कोमा में जाने का नाटक किया सर। पर सर वो टेप अब है कहाँ? सर हो सकता है सिद्धार्थ ने वो टेप कहीं छुपा दिया हो। सिद्धार्थ ने वो टेप उस पीसीओ में छुपा के रखा था जिसका नक्शा बनाकर उसने अपने मैनेजर को दिया था। एक बार ये टेप हमारे हाथ में आ जाए ना तो पता चलेगा नूपुर किसके साथ फोन पर बात कर रही थी सिद्धार्थ के खून के बारे में। देखो तुम जो भी हो ना सामने आ जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। ओहो तो तुम हो। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अगर तुम नहीं खांसते ना तो मैं शोर मचा देती।
वैसे भी मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अरे तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी मदद के बिना ना सिद्धार्थ को ठिकाने लगाना बहुत ही मुश्किल काम था। एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया है तुमने। देखो ना हमारा काम भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। बहुत बहुत स्वागत है आपका नुपुर जी। आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ बहुत बहादुरी का काम किया आपने। आपने पति का खून किया भाई। वाह बहादुर लोग कायरों की तरह नहीं भागते समझे। बाप चाहे कितना भी छुपा लो एक न एक दिन सुबह पे आ ही जाता है जैसे तुम्हारे सुबह पे आ गया। सीआईडी बताओ तुम्हारे साथ कौन मिला हुआ है खून में। सीआईडी बताओ तुम्हारे साथ कौन मिला हुआ है खून में। अभी भी भागता है, है? समझ में नहीं आता ये दुख पकड़े जाने का है या फिर किए के पछतावे का। दोनों का ही दुख है सर। खून करने का भी दुख है और पकड़े जाने का तो है ही। ये तुम्हें कैसे मालूम पड़ा फ्रेडी? दोनों आंखों से आंसू बह रहे सर। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। अब रोना धोना बंद करो तो सच सच बताओ। बताओ क्यों मारा तुमने अपने पति सिद्धार्थ को। पति मत कहिए उसे मेरा, वो तो सिर्फ नाम का पति था, असलियत में तो वो हैवान था। हैवान? अपने पति को हैवान कह रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हैवान को हैवान बोलने में कैसी शर्म। अरे दिन रात मारता रहता था वो मुझे, उसने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। पर वजह क्या थी तुम्हें मारने की? क्या मालूम, बिना बात के मारना पीटना शुरू कर देता था। मैं तो बहुत दिनों से रास्ता ढूंढ रही थी उससे छुटकारा मिल जाए। और इसलिए तुमने अपने दोस्त उमंग को अपने प्लान में मिला लिया। राजेश को पैसे का लालच दिखाया और उसे वार्ड बॉय बनाकर हॉस्पिटल में भेज दिया है ना। हॉस्पिटल में सिद्धार्थ को मारना आसान नहीं था। राजेश ने उसे वहां से निकालने में तुम्हारी मदद की। तुम दोनों को मालूम था ना कि सिद्धार्थ कोमा में नहीं है। जब सिद्धार्थ मैनेजर को नक्शा बना के दे रहा था उस टेप का, तब मैंने उसे देख लिया था। वही टेप ना जिसमें तुम्हारी और उमंग की बातें रिकॉर्ड है सिद्धार्थ का खून करने के बारे में। हाँ मगर वो मैनेजर बेवकूफ निकला, वो सिद्धार्थ की बात को समझ ही नहीं सका। और जैसे ही तुम्हें टेप मिला तुमने सिद्धार्थ का काम तमाम कर दिया। तुमने सिद्धार्थ के सर पे वार करके उसे बेहोश किया और फिर राजेश की मदद से हॉस्पिटल से बाहर निकाला उसे। हाँ, हाँ। पर लाश को आइस फैक्ट्री में छुपाने की बेवकूफी क्यों की तुम लोगों ने? उसे कहीं और भी तो फेंक सकते थे। लाश बाहर फेंकने का वक्त ही नहीं मिला। दो दो खून किए तुम लोगों ने, अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी होगी तुम्हें। ले जाओ इन्हें।
अभिषेक तुम? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। क्या? आपका कुछ सामान है मेरे पास, उसे लौटाने आया हूं। तुम क्या कर रहे हो अभिजीत? कुट कुट के जीने से अच्छा है सर कि मैं सीआईडी ही छोड़ दूं। तुम सीआईडी छोड़ रहे हो? जी हाँ। अभिजीत घर जाओ और जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अब मुझे और कुछ भी नहीं सोचना है अभिजीत। 13 साल हो गए मुझे सीआईडी में काम करते हुए, तुम्हारे साथ काम करते हुए। मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, मगर आज मांग रहा हूं। ऐसा मत कर मेरे भाई। ये मैं अपने आप नहीं कर रहा हूं दया। एसीपी साहब और तुम दोनों चाहते हो ना कि मैं सीआईडी में काम ना करूं? हमने कब कहा है कि तुम सीआईडी में काम मत करो? और क्या, घर में जाके बैठो, घर में। क्या मतलब निकालूं इसका मैं सर? अभिजीत जरा समझने की कोशिश करो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम जाकर के थोड़ा आराम करो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। और मैं बार बार यही कह रहा हूं सर कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, ठीक हूं सर। नहीं अभिजीत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम और इलाज की जरूरत है। बीमार तो आप लोगों ने मुझे कर दिया। मैं ठीक हूं सर। अभिजीत, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।